हेलो दोस्तों, दिस इज़ आर म्यूजिक प्रोडक्शन और आज हम बात करने वाले हैं डिले के बारे में। इससे पहले हमारे पास ये एक छोटा सा म्यूजिक है। ये साउंड हमने हार्मलेस से बनाई है, ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। इसको सुनते हैं। ये अब हम बात करते हैं डिले की। तो ये जो हमारे पास म्यूजिक है, इसके ऊपर हम डिले बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एक छोटा सा सिंगल नोट है, मैं इसको प्ले करता हूँ इतना सेलेक्ट करके। तो इसकी सिंगल साउंड है ये। मैं इसको मिक्सर में पहले नंबर में डालता हूँ और यहाँ पर डिले लगाता हूँ। अभी इसकी साउंड केवल सिंगल है, इस तरह से। जब मैं इसके ऊपर डिले लगाऊंगा तो इस नोट के ऊपर हमारी थोड़ी डिले की साउंड भी ऐड हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं। यहां से लिया मैंने डिले टू, अभी मैंने कोई भी नॉब नहीं छेड़ी है। अब मैं इसको प्ले करता हूं, देखते हैं डिले का क्या इफेक्ट है। ये है हमारा डिले का इफेक्ट कि उस हमारे सिंगल नोट के साथ बहुत सारी साउंड्स ऐड हो गई हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉब्स दी गई हैं, किस तरह से देखते हैं। ये है हमारे इनपुट के अंदर वॉल्यूम की नॉब। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो हमारी जो डिले की वॉल्यूम है वो कम होगी। मैं इसको जीरो कर दूंगा तो हमारी वॉल्यूम क्या होगी, हमारे पास एक सिंगल नोट होगा जो कि हमने हार्मलेस से लगाया था बिना किसी इफेक्ट का, क्योंकि हमने वॉल्यूम डिले की जीरो कर दी है। इस तरह से मैं थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी हमारी डिले की साउंड ऐड हो जाएगी। इस तरह से मैं थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा तो देखते हैं। इस तरह से अब चलते हैं। ये है हमारी वॉल्यूम ड्राई, यानी कि हमारी ड्राई साउंड। मैं अगर इसको जीरो कर दूंगा तो हमारी जो ड्राई साउंड थी वो जीरो हो जाएगी और केवल हमारी डिले की साउंड आएगी। मैंने इसको किया जीरो, अब सुनते हैं, केवल हमारी डिले की साउंड आएगी। इस तरह से मैं थोड़ी सी अपनी ड्राई की साउंड भी बढ़ाता हूं, अब सुनते हैं। मैं थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। इस तरह से ये है हमारे पास टाइम। टाइम की नॉब है, मैं अपने टेम्पो के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता हूँ। मैं इस नॉब के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। मैं गया सेट पे, यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं। मैं यहाँ पर स्टेप्स को सेट करता रहूंगा और अपनी नोट को प्ले करता रहूंगा। देखते हैं स्टेप 1। इस तरह से मैं फिलहाल इसको स्टेप 3 पर सेट कर देता हूं। ये है हमारे पास नॉब है ऑफसेट की। अगर मैं इसको लेफ्ट या राइट मूव करता हूं तो हमारी जो साउंड है, जो हमारे डिले की साउंड है, वो हमारे लेफ्ट राइट स्पीकर में आएगी। जिसे हम स्टीरियो इफेक्ट भी कह सकते हैं, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। सुनते हैं एक बार, मैंने इसको थोड़ा सा, आप हिंट पैनल में भी इसका नाम देख सकते हैं, 9.2 ms राइट। अब सुनते हैं, मैं इसको फुल कर देता हूं, हम डिले की साउंड सुनेंगे। इस तरह से
ये है हमारे पास फीडबैक। मैं अगर इसकी वॉल्यूम जीरो कर दूं तो एक हमारी ड्राई साउंड आएगी और एक हमारी डिले की साउंड आएगी। सुनते हैं इस तरह से। मैं इसको करता हूं रिसेट। ये है हमारी कट ऑफ। मैं अगर इसको कम करता हूं तो जो हमारी डिले की साउंड है वो इस तरह से हमारी आएगी कि पहले ज्यादा, फिर धीरे 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 वो कम होती जाएगी। सुनते हैं। इस तरह से। और अगर मैं अपनी फीडबैक की वॉल्यूम को फुल कर देता हूं तो हमारी जो वॉल्यूम है वो चलती जाएगी। वो देखते हैं कितने टाइम तक। इस तरह से। ये हमारे पास पैनिंग है। मैं इसको लेफ्ट राइट मूव करता हूं तो सुनते हैं। इस तरह से जो हमारी डिले की वॉल्यूम है वो लेफ्ट राइट स्पीकर में आप मूव कर सकते हैं। पैनिंग क्या है वो हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने म्यूजिक की तरफ। ये जो हमारा सिंगल नोट है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, म्यूट ऑन। मैंने इसको पहले नंबर से हटाया। ये जो हमारे पास म्यूजिक है इसको सुनते हैं। ये जो हमारे पास हार्मलेस की साउंड है मैं इसको पहले नंबर में डालता हूँ अपने मिक्सर के, और बाकी सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। सुनते हैं और इस पर डिले लगाते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पर डिले लगाया हुआ है। चलिए फिलहाल मैं सारी नॉब्स को रीसेट कर देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं हमारा म्यूजिक किस तरह की साउंड करता है। यहां से हम अपने मिक्स लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, अब सुनते हैं। मैं यहां पर थोड़ी सी रिवर्ब भी लगाता हूं। इस तरह से। ये हमारी किक है, ये हमारी क्लैप है। हम इसे किसी नंबर में डालेंगे। दो नंबर, और इस पर थोड़ी सी रिवर्ब लगाएंगे।
ये हमारी साउंड है, इसमें इसे हम किसी भी नंबर में डाल देंगे। चलिए 3 नंबर। मैं थोड़ी सी यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पर डिले लगाऊंगा इस तरह से, देखिए। मैं थोड़ी सी रिवर्ब भी ऐड करता हूँ। तो ये थी हमारी डिले की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।